डॉल्फिन फुटवेयर्स बदलते चलने का अंदाज, सर्वोकोन रखे सब कंट्रोल में। फेस ग्रुप द्वारा डॉक्टर कलाम स्मृति एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का आयोजन जेपी होटल में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कर्नल एस अत्री, विधायक एस बग्गा, एडवोकेट व मिसेज यूनिवर्स वेस्ट एशिया और दिल्ली भाजपा कल्चर प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रूबी फोगाट यादव ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम को आयोजित करके जिन्होंने आज हम सभी को एक साथ जोड़ा है, ऐसे हमारे बड़े भाई मुश्ताक अंसारी जी, फेस ग्रुप की पूरी टीम जो हमेशा इतनी मेहनत से, इतनी लगन से उन प्रतिभाओं को ढूंढ कर निकालती है जिन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। आज हम यहाँ पर सिर्फ अवार्ड फंक्शन में नहीं आए हैं, इस अवार्ड फंक्शन के पीछे जो मुश्ताक अंसारी जी और फेस ग्रुप का मकसद है उसके बारे में चर्चा करने भी आए हैं, क्योंकि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति माननीय श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनके चरित्र से हम प्रेरणा लेते हैं, जिनके चरित्र से हम सीखते हैं कि किस तरह से ईमानदारी से, वफादारी से अपने देश के प्रति वफादार रहकर आखिरी सांस तक, क्योंकि जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली तब भी वो किसी कार्यक्रम में ही थे जहां से वो बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को प्रेरित कर रहे थे। तो ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था जहां पर उनकी अंतिम सांस थी, आखिरी क्षण तक भी वो देश के लिए काम कर रहे थे। ऐसे महापुरुष के चरित्र से आज हम ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में दो तीन बातें तो हम जरूर याद रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, क्योंकि परिवार के प्रति, अपने प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति तो हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, वो जिम्मेदारी हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने ज्यादा व्यस्त होकर। लेकिन जब हम किसी राजनेता का नाम लेते हैं, जब हम किसी सामाजिक कार्यकर्ता का नाम लेते हैं, तो ही क्यों ध्यान में आता है कि हाँ ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते होंगे। ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाइए, क्योंकि ये भी देश के लिए ही काम होता है। अगर हम छोटी छोटी अपना योगदान, छोटी छोटी आहुति इस महायज्ञ में देंगे तो हमारा देश विश्वगुरु था हमारे लिए तो आज भी है, और बहुत जल्दी विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि यही देश ऐसा है जिसने दुनिया को बहुत ज्यादा दिया है। वो बात अलग है कि दूसरे देश पेटेंट रजिस्टर करा लेते हैं, लेकिन हमारे देश ने ही सब कुछ दिया है। कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है। आज हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। आज हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। सारे जी, फेस ग्रुप के सभी सदस्यों को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ पर पधारे सभी महान हस्तियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे और मुझे यहाँ बुलाया अंसारी साहब ने, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये ऐसे सोशल कार्य कर रहे हैं, काफ़ी समय से मैं जानता हूँ इनको, और करते रहेंगे और मुझे यहाँ बुलाते रहेंगे आप लोगों के बीच। धन्यवाद। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का